ये जो आपस में दोनों का एक चैलेंज है जो कि फलक की तरफ से किया गया है ये वही जहाज वाला मैप है ना है जिसमें सेंटर में जहाज पड़ा होता है जी काफी काफी मजेदार मैप है ये मैंने इसे पर्सनली खेला हुआ है बहुत मजेदार है बैक एंड पे आप ऊपर से जो आपकी बेस है वहां से भी आप डैमेज दे सकते हैं प्लेयर्स को ग्रेनेड भी इस्तेमाल होंगे यहाँ पर लीज ये पहला नॉकआउट जो है वो पहली पहले इनफैक्ट वो छोटू के ऊपर निकाली जाती है ग्रेनेड के साथ ही गोश्त आगे बढ़ेंगे और वेपन जो है ना मेरे ख्याल से सबने यही उठाया होगा बिकॉज ये वेपन एक एकदम बहुत है और क्लोज रेंज में भी बहुत है बहुत ज्यादा डेडली है लेकिन खैर अभी के लिए तीन पॉइंट निकाल लिए जा चुके हैं जाएस की साइड से एंड जिनकी राइवल टीम है जिनको चैलेंज किया गया है वो भी तीन पॉइंट निकाल लेते हैं लेकिन ए एस आई एड चौथे पर जा चुकी है चौथा और चौथा दोनों के अतरा कंफर्म किया जाता है एंड वहीं पर चौकों की साइड से अब ग्रेनेज और इस्तेमाल किया जा रहा है आ, कुछ यहां पर रूटिलिटीज का वहीं पर पांचवा पॉइंट कंफर्म किया जाएगा आई एड की साइड से चौथा चौथे पर ही हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन आप देखें एक काउंटर वहां बढ़ता है एक काउंटर यहां बढ़ता है सो अभी भी वो क्लियर कट लीड

मतलब ये उनके लिए ज़्यादा वो होगा क्या कहते हैं बाइस शर्मिंदगी कह सकते हैं उसको कि आपने चैलेंज किया एंड ये लॉस्टार्ट लेकिन अभी के लिए एस आइट विल्कुल भी आसानी होने देना चाहते वो अपने फैंस को और ख़ुद को भी शर्मिंदगी से का सामना नहीं कराना चाहते एंड इस सब में सबसे आगे रोशन है जो कि आप आर थ्री जी की आ, इस कह सकते हैं कि इज्जत पर जो बात आ चुकी है उसको हैंडल करने की कोशिश करें लेकिन एस सिक्स आइट जहाँ एक, एक, एक एलिमिनेशन पॉइंट निकाला जाता है उनकी तरफ से वहीं पर आर्थ थ्री जी ट्रेड लेने के लिए तैयार बैठी होती है जी हाँ एंड आई थिंक सो काफी वो लीड कैप्चर की जा चुकी है टीम इंडिया के साइड से तक एक सोलहिनेशन पर नहीं है। जा चुके हैं जी अभी आप आगे आगे है। आपके कहते कहते ही सेवनटीन एंड 16 पर बात जा चुकी है आईक्यू के पास इनफैक्ट नॉकी के पास आठ जा चुके हैं एंड फलक के पास तीन है आईक्यू के पास छह है फिलहाल के लिए उन्नीस और सतारह के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है और रेजिसाइड दे आर स्टेपिंग अप रेजिसाइड ने बड़ी वो लीड पकड़ी है जब तेरह पॉइंट था आई के रेजिसाइड के आई थिंक सो नौ पॉइंट थे एंड वो लीड कैप्चर की गई

अभी भी चार पॉइंट्स का लीड जरूर है लेकिन रेजेसाइड कैप्चर करती दिखाई दे रही है हमें आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ लीड कैप्चर की जा रही है उनकी तरफ से लेकिन बारहा उस लीड को बढ़ाया जाता है उजम नीड्स टू तो स्टेप अप दो एलमिनेशन है उनके पास और यहाँ पर नॉकी आगे बढ़ेंगे नॉकी क्यों देखें आप बस उनको देखें आप टीडीएम के अंदर आधी तेरह एलेमिनेशन निकाले गए उनकी तरफ से वहीं पर फलक एंड उजम अभी के लिए वीकलिंग बंद जरूर रहे हैं बिकॉज उनकी ज़्यादा मार लगाई जा रही है आर की तरफ से लेकिन वहीं पर फलक भी स्टेप अप करते हुए शायद दिखाई दे हमें कुछ ही सेकेंड्स के अंदर लेकिन फोर्टी आपका गोल है थर्टी पर जा चुकी है ए सिक्स Uh, इसी इस नाम में नौकी ने फिर से स्पॉट किया नौकी दो प्लेयर से फाइट ले रहा अभी एक टाइम पे एक टाइम पे दो प्लेयर्स को उन्होंने पुश बैक किया है पीछे से फिर रेज साइड के प्लेयर उनको कवर देते हैं एंड ग्रनेज बड़ा काम खराब कर रहे हैं यहाँ पर दोनों ही टीमों का 34 फोर वी ट्वेंटी पर बात जा चुकी है छह पॉइंट्स और चाहिए टीम ए एस आई एड को वहीं पर 30 पर लेकर जा चुकी है टीम रेज साइड भी आहिस्ता आहिस्ता से साबित करना चाहती है कि हमें चैलेंज करना शायद उतना तो बेहतर नहीं रहा पांच और एक थर्टी एंड थर्टी टू माई गुडनेस तीन पॉइंट्स और निकाल लें रेज साइड को लेकिन अब एक और प्लस पॉइंट किया जाएगा प्लस वन किया जाएगा